अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना पहला सबक अच्छे तरीके से याद किया होगा। आज तजवीद के साथ कुरान पाक सीखने का जो लेक्चर है उसमें हम सूरह बकरा की नेक्स्ट आयत को पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों तक मेरी वीडियोस जा सकें और वो भी घर बैठकर तजवीद कुरान सीख सकें। सबक पढ़ने से पहले हम सबक याद करने की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام। اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے، آمین۔ جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا کھڑا زبر، یا حمزہ یا زبر ای، या ए या पेश यू, या ए यू हा लाम ज़बर हल, या ए यू हल। या को पांच अलिफ या पांच हरकात के बराबर, सॉरी छोटी मद है इसके ऊपर तो इसको तीन अलिफ या तीन हरकात के बराबर लंबा करेंगे। लाम ज़बर ला या ज़ेर ज़ी ला ज़ी, नून ज़बर ना ला ज़ी ना, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा आ मा, नून वाव पेश नू आमानू। अलिफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको एक हरकत या एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। काफ पेशकू ताज़िरती कुती बाज़बर बा कुती बा, अरीन ज़बर आलम या ज़बर लई अलई, काफ पेशकू अलई कु, मीम लाम पेशमुल अलई कुमुल, कौफ ज़िरकी स्वाद अलिफ ज़बर स्वाकी स्वाद पेशू ली स्वासु علیکم القصاص قاف صاد اور یہ صاد دونوں کو پر پڑھیں گے۔ فا لام زیر فی القاف تا زبر قط فی القط لام کھڑا زبر لا فی القط لا تو ہے وقف لازم، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے یہاں ہم چینج کچھ نہیں کریں گے، وقف کر دیں گے۔ حمزہ لام زبر الحا را پیشہر الحر را پیشرو الحر را کو पुर पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर पेश है। बालाम ज़ेर बिल हा वा पेशहुर बिलहुर राज़ेरी बिलहुर्री अलहुर्रु बिलहुर्री, रा यहाँ बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। वाओ लाम ज़बर वल ऐन बा ज़बर अब वल अब दाल पेशदू वल अबदू, बापे कलकला करेंगे। कलकला किसे कहते हैं? जब आवाज़ लौटती हुई वापस आए उसे कलकला कहा जाता है। बा लाम ज़ेर बिल ऐन बा ज़बर अब बिल अब दाल ज़ेर दी बिल अब दी, यहाँ पे भी बा पे हम कलकला करेंगे। वाओ लाम ज़बर वल हमज़ा नून पेश उन वल उन, सा खड़ा ज़बर सा वल उन सा, नून पे गुना करेंगे, सा को नरमी से अदा करेंगे। सा को पढ़ते वक्त सीटी की आवाज़ या सीन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाल अमज़र बिल हमज़ा नून पेश उन बिल उन, सा खड़ा ज़बर सा बिल उन सा, आगे तो है वक्फ़ लाजिम इसलिए यहाँ पे हमने दोबारा कुछ चेंज नहीं किया। सा पे खड़ा ज़बर था, यहाँ पे हमने सिर्फ वक्फ़ कर दिया है, चेंज कुछ नहीं किया। फ़ा ज़बर फ़ा मीम नून ज़बर बन फ़ा बन अन पेश उ फ़ा ज़ेर फ़ी ऊफ़ी या ज़बर या ऊफ़ी या, लाम ज़बर ला रूफ़ी या ला हा उल्टा पेश हो रूफ़ी या ला हो, मीम नून ज़ेर मीन हमज़ा ज़बर आ खो या ज़ेर ख़ी अख़ी हाज़िर ही अख़ी ही मीन अख़ी ही, शीन या ज़बर शई हमज़ा दो पेश उन शई उन, हमज़ा के ऊपर दो पेश यानी तनवीन है तो यहाँ हम गुना करेंगे। फ़ा ता ज़बर फ़त ता ज़ेर ती फ़त ती बा अलिफ ज़बर बा फ़त ती बा, अईन मीम दो पेश रुम फ़त ती बा रुम,
अरीन पे कुन्ना करेंगे क्योंकि वो मीम के साथ मिल रहा है और उसके ऊपर दो पेश यानी तनवीन है। बालाम से बिल मीम अरीन जबर मार बिल मार रो वपिश रू बिल मार रू फाजिर फी बिल मार रू फी रो पुर पढ़ेंगे। वाओ जबर वा हमजा जबर आ वा दाल अलिफ जबर द वा द हमजा दो पेश उन वा द उन हमजा जेर ई लम या जबर लई ई लई हाजिर ही ई लई ही बाजेर बी हमजा हा जेर इह बी इह सीन अलिफ जबर सा बी इह सा नुन दो जेर निन बी इह सा निन तो है वक्फ़ लाजिम नून को साकिन करके यहाँ वक्फ कर देंगे। बी इहसान जाल अली जाल खड़ा जबर जा लम जेरली जाली का जबर का जाली का ता खो जबर तख फा या जेर फी तख फी फा मिम दो पिश फुम तख फी फुम मीम रो जेर मी रो बा जबर रोब मी रोब बा जेर बी मी रोब बी कफ मीम पिश कुम मे रोब बी कुम वाओ जबर वा रोह जबर रोह वा रोह मीम जबर मा वा रोह मा ता दो पेश तुन वा रोह मा तुन रोह पुर पढ़ेंगे। वक्फ लाजिम तो है ता को साकिन करके यहाँ वक्फ कर देंगे। वा रोह मा फा जबर फा मीम जबर मा फा मा नून अरीन जेर नियर फा मा नियर ता जबर ता फा मा नियर ता दाल खड़ा जबर द फा मा नियर ता द दाल के ऊपर खड़ा जबर है एक अलिफ या एक हरकत लंबा करेंगे। बा अरीन जबर बार दाल जबर दा बार दा दाल खड़ा जबर दा लाम जेर ली रा ली काफ जबर का रा ली का बार दा रा ली का फा जबर फा लाम जबर ला फा ला हा उल्टा पेश हु फा ला हु अरीन जबर आ ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा अज़ा बा दो पेश बुन अज़ा बुन हमज़ा ज़बर आलम या ज़ेर ली अली मिम दो पेश मुन अली मुन। आयत मुकम्मल हो रही है तो यहाँ मीम को साकिन करके वक्फ कर देंगे। अज़ा बुन अली या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज हमने सूरह बकरा की नेक्स्ट आयत को पढ़ा है। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।